कोटा भाषा के छात्र लगातार सिलेबस में एकरूपता लाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। दूसरे दिन भी छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे। छात्रों का जुटान TRL विभाग में होगा, वहां जुटकर छात्र अपनी मांगों को आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि बुधवार को भी बड़ी संख्या में कोटा के छात्र विभाग पहुंचे और सिलेबस में एकरूपता लाने की मांग की। दोस्तों, आज वीडियो बनाने का एक ही मकसद यही है कि आज हमको बहुत ही फोन इतना आ रहा है कि आप कह नहीं सकते हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ। तो इसके लिए मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूं जो कि 2 मिनट या 1 मिनट लगेगा, ठीक है। तो सभी छात्र से, कोटा छात्र से निवेदन करते हैं कि 50% काम हो गया है, 50% बाकी, इसलिए कल 10 बजे TRL विभाग है रांची यूनिवर्सिटी के सामने लाइब्रेरी के पीछे आप सभी छात्र जो है पहुंचने का कृपा करें, ताकि कल सफल आप लोग आज जिस तरह आज हम लोग हमको सहयोग किए, कोटा छात्र जितना है सब सहयोग किया, आप लोग भी अपना मुद्दा को जो बात रखें और जो हम लोग का सफल हुआ 50%, तो कल आइएगा तो कहीं ना कहीं 100% होने का सफलता चांस है। आज जिस तरह भीड़ भाड़ था उसी तरह कल भी करना है, कल 10 बजे जरूर से जरूर आइए दोस्तों, है ना। एक दिन नहीं पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सिलेबस कम हो जाएगा तो आप बार बार उसको एक दिन में कई बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन वही सिलेबस रहेगा तो आप सोच लीजिए कि एग्जाम बीत जाएगा लेकिन फिर भी सिलेबस पूरा नहीं होगा। तो सभी छात्र कोटा छात्र से निवेदन करते हैं कि कल 10 बजे एनी हाउ आप पहुंच जाइएगा, कोई भी हालत में आप 10 बजे पहुंच जाइए और जो है उसका मुद्दा कल उठाया जाएगा बहुत जोर से, क्योंकि आज मुद्दा उठाया गया तो 50% काम हो गया है और 50% बाकी है। तो सभी कोटा छात्र के बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी खबर पे अधिक बातचीत के लिए फोन लाइन पे रांची से हमारे सहयोगी शहनवाज जुड़ चुके हैं। शहनवाज, कोटा भाषा के छात्र अपने सिलेबस में एकरूपता लाने की मांग को लेकर आज भी आंदोलन पे हैं। बिल्कुल, जिस तरह कल तमाम जो कोटा भाषी के छात्र थे उन्होंने TRL विभाग के जो कुड़ुख भाषा के छोटी हैं हरि उराव जी, उनसे उनकी बातचीत हुई और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। किस तरह से तमाम जो विभागों के छोटी हैं वो अपने स्तर से सिलेबस बनाया गया उनके द्वारा और बाकी में एक उत्तर आने के लेकर के किसी तरह की कोई उन लोगों में संजीदगी नहीं दिखाई। खुद जब हम लोगों ने हरि उराव से बात की तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि तमाम जो विभागों के छोटी थे उन्होंने अपने स्तर से सिलेबस बनाया, किसी ने मिल बैठ कर आपस में इस बात को बनाए होते तो ये जो एकरूपता की बात अभी नहीं आ रही है वो जरूर आती है और इस तरह का वो हंगामा नहीं होता है। कल उन्होंने आश्वासन दिया था कि तमाम विभागों के छोटी को बुलाया जा रहा है, सभी मिल बैठ करके एक साथ बैठेंगे, तमाम विभागों के छोटी आपस में तय करेंगे कैसे सिलेबस में एकरूपता लाई जाए जिसकी डिमांड छात्र कर रहे हैं। हालांकि आज भी छात्र अपनी मांगों को लेकर फिर से TRL डिपार्टमेंट में जुटेंगे, करीब 10 बजे का समय है उनका, लिहाजा देखने वाली बात होगी कि जो सिलेबस में एकरूपता की मांग है वो कितनी दूर तक पहुंच पाती है। लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि 14 फरवरी तक ही जो इंटरमिशन फॉर्म भरने की आखिरी तिथि है, अगर उससे पहले सिलेबस में परिवर्तन नहीं हो पाता है तो बाद में ये परिवर्तन होना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि अलग से फिर नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा, इसके लिए फिर विभाग के स्तर पर काम करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि पहले TRL डिपार्टमेंट के HOD द्वारा गलतियां की गई, उसके बाद कार्मिक की तरफ से भी संजीदगी नहीं दिखाई गई और JSC ने उसे हूबहू लागू कर दिया, जिसकी वजह से छात्रों में इस बात की नाराजगी है कि उनके सिलेबस को इतना बड़ा कर दिया गया है कि जैसे वो इसी तरह का विद्वान बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ना कि एग्जाम और परीक्षा पास करने की कोशिश है। अब चूंकि जो शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया गया है उसके मुताबिक अप्रैल में ही परीक्षा होनी है, लिहाजा उनके पास समय नहीं है, उससे पहले अभी तक सिलेबस फाइनलाइज नहीं किया गया है, ऐसे छात्र पशुपेश में है कि वो क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि TRL के द्वारा क्या कुछ रिकमेंडेशन या फिर क्या सुझाव कार्मिक तक पहुंचाया जाता है और कार्मिक के माध्यम से किस तरह JSC तक जाता है, क्योंकि अगर ये 1 से 2 दिनों में अगर ये बात अगर नहीं बनती है तो फिर ये सिलेबस में परिवर्तन करना या एक उत्तर आना बेहद मुश्किल हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि कोटा भाषा के छात्र लगातार सिलेबस में एकरूपता लाने की मांग को लेकर आंदोलनरत थे और दूसरे दिन भी छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे और छात्रों का जुटान TRL विभाग में होगा और वहां जुटकर छात्र अपनी मांगों को आगे बढ़ाएंगे।